हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में बातचीत कैसे करते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% जो एम्प्लॉयज हैं वो इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो अच्छा नहीं होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और सीखेंगे कि अपने वर्क प्लेस पर या अपना जो जॉब है वहाँ पर किस तरह इंग्लिश में बात करते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, अपनी साइट पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको हाय हेलो करते हैं। तो यहाँ पर हेलो राम, हाउ आर यू? हेलो राम, आप कैसे हैं? आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से, जो उसका नाम रहता है, हेलो श्याम, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? या हेलो मंजीत, हाउ आर यू? आपके फ्रेंड का जो नाम रहता है, आप वहाँ पर उसका नाम लगा के उससे पूछ सकते हैं कि वो कैसे हैं। हमें एक एक वर्ड करके स्टार्ट करना है और जो हेजिटेशन है उसको दूर करना है। फिर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका इस तरह आंसर दे सकते हैं, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तो इस तरह करके आप आंसर जो रिप्लाई होता है वो आप कर सकते हैं। हाउ वॉज द डे टुडे? आज का दिन आपका कैसा रहा? हाउ वॉज द डे टुडे? आज का दिन आपका कैसा था? तो इस तरह करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज सब कुछ ठीक रहा, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आज अपने अपने डीजी रूम में जाते हैं या हैंडओवर लेते हैं या जाते हैं, तो उस दौरान कॉन्वर्सेशन के दौरान ये आप पूछ सकते हैं, हाउ वॉज द डे टुडे? आप मेरे साथ में ही चीज़ों को रिपीट कीजिए और कोई चीज़ है आपको लगता है उस वीडियो को पॉज करके उसको दो तीन बार आप रिपीट कीजिए। टुडे वॉज टू मच वर्क? आज बहुत ज़्यादा काम था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपके कहीं प्रॉब्लम आ गई, आपको कंप्लेंट्स पे जाना पड़ गया, तो या आपको कोई वर्क करना पड़ गया, तो आप कह सकते हैं टुडे वॉज टू मच वर्क, आज बहुत ज़्यादा काम था। इज एवरीथिंग फाइन टुडे? क्या आज सब कुछ ठीक था? आप पूछते हैं कि आज सब ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, सारा सिस्टम ठीक है? इज एवरी थिंग फाइन टूडे? क्या आज सब कुछ ठीक रहा? तो इस तरह करके आप उनसे पूछ सकते हैं। इसको आपको अपनी जो डेली लैंग्वेज है ना, जो आपने फ्रेंड के साथ यूज करते हैं, उसमें इसको यूज करना है और माइंड में ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेगा। सोचने दो सोचने वालों को, सोचने वालों की अपने चिंता की तो फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो सोच रहा है उसको सोचने दीजिए। अगर आप इसी तरह लगे रहे तो एक साल के बाद वो कुछ और ही सोचेगा आपके लिए। हैव यू फिल्ड ऑल द चेकलिस्ट? आप अपने जो रिलीवर है उसे आप पूछते हैं, क्या आपने सारी चेकलिस्ट भर दी हैं? हैव यू फिल्ड ऑल द चेकलिस्ट? सॉरी, हैव यू फिल्ड ऑल द चेकलिस्ट? क्या आपने सारी चेकलिस्ट भर दी हैं? जो भी चेकलिस्ट होती हैं या किसी भी तरह की, आप उसमें उसे पूछ सकते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, हैव यू फिल्ड ऑल द चेकलिस्ट? क्या आपने सारी चेकलिस्ट भर दी हैं? यस, हाँ, आई हैव फिल्ड ऑल द चेकलिस्ट। हाँ, मैंने सारी चेकलिस्ट भर दी हैं। यस, आई हैव फिल्ड, मैंने भर दी हैं ऑल द
चेकलिस्ट टुडे, आज मैंने सारी चेकलिस्ट भर दी हैं। इज द होल सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, क्या पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? इज द होल मतलब सारा सिस्टम, जो आपका सिस्टम है, वर्किंग प्रॉपरली, क्या सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है? नो, भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको किस तरह आंसर करेंगे? यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक चिलर के एक एसीबी में प्रॉब्लम आ गई है, या आप इसकी जगह और कुछ भी लिख सकते हैं। नो, देर इज सम प्रॉब्लम इन चिलर नंबर वन एसीबी। नहीं, चिलर नंबर वन के एसीबी में कुछ प्रॉब्लम है, या आप यहाँ पर आपकी किसी दूसरे चीज में प्रॉब्लम है। नो, देर इज सम प्रॉब्लम इन डीजी सेट, देर इज सम प्रॉब्लम इन सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो जो भी है आप चीज़ें इनके साथ जोड़ सकते हैं, और इनको रिमाइंड कब होगा, ये आपकी टंग पर कब आएंगी, जब इनको आप बार बार रिपीट करेंगे, जब भी ज़रूरत होगी। पेन पेपर से नोट कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। हैव यू रिटर्न इट इन द हैंड ओवर रजिस्टर, क्या आपने इसको हैंड ओवर रजिस्टर में लिख दिया है? हम अपनी ड्यूटी ख़त्म करते हैं, सारा काम हैंड ओवर रजिस्टर में लिखते हैं, तो इसी तरह वो पूछ रहा है। हैव यू रिटर्न इट इन द हैंड ओवर रजिस्टर, क्या आपने इसे हैंड ओवर बुक में या हैंड ओवर रजिस्टर में लिख दिया है? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो आपको लगता है आपके लिए या आपके किसी फ्रेंड के लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।